of our daily routine. More so for each one of you, क्योंकि मेरी dealing बहुत limited है, लेकिन आप सब लोग जो हैं, you are in the forefront of action. So it is very important for you to be more empowered than any of us. I would also like to thank Mr. Dixit, who in December gave the brain wave कि आप बड़े-बड़े के लोगों का ज्ञान के अलावा दूसरे जगह से भी ज्ञान मिलना चाहते हैं वो आइडिया इन्होंने प्लांट किया तो लेटर इन द डे यू कैन थैंक हिम कि इन्होंने ये आइडिया हमारे दिमाग में प्लांट किया कि हम अपना ज्ञान बांटने के अलावा जो असल ज्ञान आप लोगों को मिलना चाहिए वो आप तक लेकर जाए. थैंक यू अमित. एक्चुअल ने पूरी कोशिश करी कि मैं अमित के सेशन सुनने के लिए उसी टाइम पहुंचूंगा. वेरी नाइस. सबको नमस्कार. नमस्कार कैसे होता है? नमस्कार. आई कैन सी एवरीवन. फैंटास्टिक. दीपक नमस्ते. नमस्ते. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा तन के बैठेंगे, आप आराम से नहीं बैठेंगे. आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी जस्ट रिलैक्स एंड आप अपना बटन खोल लें. जब भी हम बैठते हैं तो अपने कोट का बटन खोल के बैठते हैं. जब हम चलते हैं तब तो आराम से. जस्ट आई वांट यू टू सिट स्ट्रेट. सो व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेट यू कम अलाइव इन द मोमेंट. So I think credit to Nishal. That's so good ideas, and I was having very good interaction with Deepak for almost 45 minutes. And he was mentioning about कि यहाँ budget meeting होती थी हर साल, उसकी जगह we are, you know, thinking of ways how we generate ideas, empower people, give them space, learn from them. Very good initiative. I think big round of applause for this energy. मैंने खुद 16.5 साल नौकरी करी है और मैं और जब भी कंपनी कोई इनिशिएटिव लेता है तो मुझे मालूम है एक एम्प्लॉई का कितना इंटरेस्ट लेवल होता है उसमें. बट मेरा मानना है अगर आप पूरा 100% अगर यहाँ देंगे मुझे, जस्ट कीपिंग योर डिस्ट्रैक्शंस असाइड, योर सेल फोन्स असाइड, एंड इफ यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट एज मच मोर, यू आर गोइंग टू टेक सो मच आउट ऑफ दिस ब्यूटिफुल टाइम. So I am Amit Kasliwal from Gwalior, Madhya Pradesh, born brought up in Gwalior. Below intelligence human being. I used to fail in mathematics, science, गणित विज्ञान में बहुत फेल होता था. अंग्रेजी मुझे अच्छी बोलनी आती नहीं थी. तो मैं ग्वालियर के एक नई बाजार के चौराहे पे अपने मित्र के साथ खड़े होकर इंग्लिश की प्रैक्टिस करता था, बिकॉज इफ़ यू हैव टू सक्सीड इन कॉर्पोरेट लाइफ यू नीड टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो आई वॉज वर्किंग हार्ड. सो that was one moment where I was really working on myself, and I got into MBA in Indore, Madhya Pradesh. Then I worked with Times of India, and Times of India, I'll tell you a story. So in Times of India, I was in Bhopal, Madhya Pradesh. So I had this classic challenge. We used to circulate around 8,000 copies in Bhopal to the Dainik Bhaskar headquarter there, and Times of India is very small in Bhopal. 8,000-9,000 copies, and I was responsible for special features as a category, and I was part of response team special feature. So me and my boss, we had this responsibility of generating 30 lakh of revenue for a year. बड़ा challenging होता था, because it's a Hindi heartland. वहाँ पर मैं अंग्रेजी अखबार को पढ़ना, 8,000-9,000 है. It was very. I used to motivate myself, and we used to think a lot. मैं जब दीपक के केबिन में भी देख रहा था, एक ट्रेल ब्लेजर आपने निकाली थी, हमने भी उस टाइम में एक ट्रेल ब्लेजर निकाली थी बुकलेट इन मध्य प्रदेश. एंड एक टाइम आया था 18 अगस्त इज राजीव गांधी बर्थ एनिवर्सरी, एंड उस टाइम में हमने स्पेशल फीचर के बारे में सोचा. सो नाउ हाउ डू वी जनरेट एड. तो मैंने उस टाइम सोनिया गांधी को ईमेल लिखी, we are coming up with this feature, and can we get some participation and some article from you. So luckily Sonia Gandhi ke office se jawab bhi aa gaya. We are very thankful Mr. Kasliwal, people are coming up with feature, why don't you get in touch with Rajiv Gandhi Foundation, they can support you with necessary information. हम बहुत चालू थे, थोड़े स्मार्ट थे, तो हमने उस ईमेल का प्रिंट आउट निकाला, उसकी 25 जेरोक्स कॉपी कराई, और सारे मंत्री और सुभाष यादव उस टाइम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते थे, सबके पास पहुंच गए वो चिट्ठी लेके.
और हमने सेल्स पिच क्या दी कि मैडम सोनिया गांधी देखेंगी सरकार को एंड बिकॉज ऑफ दिस वी ऑलमोस्ट गॉट यू नो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ पेज ऑफ एड्स फ्रॉम सो आई एम सेइंग देयर इज ऑलवेज अ वे. दूसरा ट्रेंड में अभी राजन नारंदन अभी सिकोवा के एमडी हैं, इससे पहले गूगल के एमडी थे, तो उन्होंने तीन बड़े ट्रेंड जो मुख्यतः चल रहे हैं भारत में उस पर बात करी थी. उन्होंने बोला था वीडियो, वर्नैकुलर एंड वॉइस, दीज विल बी बिग थ्री ट्रेंड्स. इफ यू लुक एट इंटरनेट का पेनिट्रेशन 500 मिलियन तक पहुँच चुका है, पर अभी बहुत सारा भारत है जो बाकी बचा है. तो उन्होंने बोला था कि वर्नैकुलर इज गोइंग टू हैव अ डोमिनेंस एंड आई सी दैट इन माई हाउस ऑल्सो. जो मेरे साथ एक अरूप कुमार करके सहरसा जिले का बिहार का काम करता है एज अ डेटा एनालिस्ट, मैं जब उसे कुछ गूगल के लिए सर्च करने के लिए बोलता हूँ तो वो वॉइस से बोलता है. मैं कभी हम कभी वॉइस यूज नहीं करते, हम टाइप करते हैं, इंग्लिश में टाइप कर लेते हैं. सो देयर आर इनोवेटिव वेज हाउ पीपल आर वर्किंग अराउंड सॉल्यूशंस. या मैं कई बार उसको देखता हूँ वो जब सर्च करता है तो वो हिंदी में सर्च आ जाता है, हिंदी में अपने आप से खुल जाता है, मैं हमेशा इंग्लिश. सो आई एम सेइंग दैट इज द पोटेंशियल ऑफ वर्नैकुलर. अभी तो कल मैंने देखा था दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कैंपेन भी चालू किया है हाउ डिजिटल इज फेक एंड हाउ प्रिंट इज ऑथेंटिक एंड सो एंड सो फोर्थ. तो हर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम गोइंग अराउंड. तो क्या चीज सुननी है आपको आज? कंट्रोल योर एंगर. आज इंटरेक्शन रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स माय फील, आई डोंट नो. या तो कंट्रोल योर एंगर, आपने बहुत अच्छी बात कही. तो सो हम इसको कई सारे कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, स्पेशली जब सो आई वुड टेल यू माय ओन वे, द वे आई यूज्ड टू बिहेव. सो आई वाज लिविंग लाइफ लाइक अ ज़ॉम्बी. चार साल पहले जब मैं एनसीआर के पहले था, मैं एकदम खोया हुआ था, मेरी जिंदगी पूरी बिगड़ी हुई थी, संबंध रिलेशन, एंड आई वाज लॉस्ट इन माय ज़ोन. लाइफ वाज जस्ट हैपनिंग, इट वाज आई बिकम अ रोबो, आई बिकम जस्ट ऑटोमेटिक. एंड आई वुड रीड इकोनॉमिक टाइम्स इन द इवनिंग, नॉट स्पेंड टाइम विद माय सन. मैं अपनी टीम के साथ मैं लीडरशिप रोल में था, बट आई वुड नॉट वैल्यू डाइवर्सिटी, आई वुड नॉट गिव अटेंशन एंड गिव इम्पोर्टेंस टू देयर व्यू पॉइंट बिकॉज आई थॉट माई व्यूज आर द बेस्ट. आई वॉज लॉस्ट इन माई वर्ल्ड. मैं अपने फादर से कम बात करता था. क्यों कम बात करता था? वो मुझसे कम बात करते थे. वो कम बात क्यों करते थे? उनके फादर भी मुझसे कम बात करते थे. वो क्यों कम बात करते थे? So we are all victims of unconscious behavior. The way we are behaving, we don't know how and why we are behaving. So consciousness has direct correlation to success. Now what is consciousness? जब मैंने आपको बोला एकदम से सीधे बैठिए. जब हम सीधे बैठते हैं तो हम कहाँ आ जाते हैं? So there are three lines: past, present, future. हम कौन सी line में आ जाते हैं? Present. Present is life. Now coming back to anger, when I am in the present, my टॉपिक पे डिबेट नहीं होता बिकॉज यू व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मेमोरी गेट्स क्रिएटेड एंड मेमोरी कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंस इन मोमेंट इज डायरेक्ट कोरिलेशन. आई एम टेलिंग यू, अगर एक स्किल आप आज सीख के जाएं, इट इज टू जस्ट बी इन द प्रेजेंट. जब आप प्रेजेंट में रहते हैं आपका स्वयं पे कंट्रोल बढ़ता है एंड यू कैन ओनली डू वन थिंग. इफ आई एम जस्ट स्पीकिंग टू यू नाउ, राइट नाउ आई एम विद कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन स्पीकिंग टू ऑल ऑफ यू, आई डोंट हैव एनी वरी, नो कंसर्न, नो थॉट. तो एंगर कब आता है? एंगर जब आता है जब आपकी कोई सुनी नहीं जाती, आपकी चलती नहीं है, यू आर अनेबल टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन, या आपने जैसा बोला वैसा होता नहीं है, राइट? सो इन दैट व्हाट आई हैव प्रैक्टिस इन माय लाइफ इज एवरीवन इज यूनिक एंड जैसा आप सोच रहे हैं यू आर यूनिक, योर थॉट. सो वी डिड वन एक्सरसाइज, राइट दीपक? सो दे हैव जॉटेड डाउन देयर स्ट्रेंथ. या दिस इज देयर. So why anger happens is when we are unable to positively influence somebody, then we use pressure and anger and force. Largely as leaders, what do we do day to day? You have your team, then you have hawkers, and you want to influence them to your idea, you want to enroll them to your idea. You have family, and if you want certain habits, you know, it could be as simple as mandir chalna hai, and they are not agreeing to your idea, and then you get frustrated, then you start using anger and pressure. That doesn't work. जब भी हम anger use करते हैं, हमारी जो connect होती है वो और दूर हो जाती है.
एंड कंसिस्टेंटली हम जो लोग एंगर यूज करते हैं उनकी बॉन्डिंग कभी नहीं बन पाती. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ सीएक्सओज, लॉट ऑफ सीनियर फोक्स, दे हैव फैंटास्टिक इंटेंशन, दे हैव लॉट ऑफ एग्रेशन, बट बीच बीच में वो जब एंगर यूज कर लेते हैं तो सब चीज स्पॉइल कर देते हैं. सो जब भी वो एंगर आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, अंडरस्टैंड. जब भी कोई कंफ्लिक्ट होती है आपका, शुभ नाम, कैन यू जस्ट फ्लिप दिस, राजीव जी, जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है, देयर इज नोबडी राइट एंड रॉन्ग, इट इज द कॉन्टेक्स्ट, इट इज द स्पेस विच द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. ठीक है, मान लीजिए मैं अगर अभी आज 5:30 बजे आता हूँ, ठीक है, आप क्या इंप्रेशन बनाते मेरे लिए राजीव जी? Might be some work was there and you came late. ठीक है, और जनरली क्या इंप्रेशन बनता मयंक? कि मोटिवेशनल स्पीकर है और लेट आ रहा है, चुनाव तो क्या मोटिवेशन. एग्जैक्टली. अब आपको नहीं पता कि शाहीन बाग पे इतना झगड़ा हो रहा है और दीपक पांडे ने सबने प्लानिंग कर ली थी, प्रदीप जैन ने प्लानिंग कर दी थी, कार पहुंच गई, कार पंचर हो गई, शाहीनबाग पे जाम हो गया, सब कुछ हो गया, करेक्ट? और मैं और मेरी फैमिली में कोई बीमार था, मुझे उसको भी एड्रेस करना था. ओके, तो वी क्विकली कंक्लूड एंड वी स्टार्ट जजिंग सडनली फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू. एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा बेटा है, हिज नेम इज जब. सो वो उसकी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, वॉज इन्जॉइंग लाइफ. और तो मेरी आदत है, मैं सुबह सुबह अपने घर की बालकनी का दरवाज़ा खोलता हूँ. बालकनी का दरवाज़ा क्यों खोलता हूँ? जिससे कि फ्रेश एयर. उसने बोला कल से आप बालकनी का दरवाज़ा मत खोलना. मैंने कहा क्यों? बोले मुझको और टीवी नेटफ्लिक्स पे मुझे देखने में दिक्कत होती है. अब मैं मोमेंट में रहता हूँ तो मेरी मेमोरी गेट्स क्रिएटेड, यू नो, आई व्हेन आई एम इन द मोमेंट लर्निंग हैपेंस, आई एम एबल टू रिमेंबर कन्वर्सेशंस. तो मैं जब अगले दिन गया, जैसे ही मैं बालकनी के पास गया, वो मेमोरी मेरे सामने पॉपअप हो गई कि आपका कम्युनिकेशन हुआ है. नाउ टेल मी हु इज राइट, हु इज रॉन्ग इन दिस? यू वाज राइट. यू वाज राइट. यू आर राइट. आई एम राइट. वो गलत है. दोनों सही हो. बहुत हार्ड राइट. उसको भी प्रॉब्लम. हां, दोनों सही. उसको भी प्रॉब्लम है यार. तुमने देखिए, अभी सूत को जरा गहराई से सोचिए. I'm sharing with you a very big technique. Apply this whenever now you are having a dialogue, starting from right now. Life is now. So how does leaders behave? So मैंने देखा, मैंने फिर analyze किया. मैंने कहा अगर मैं 3 दिन दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, प्रलय तो नहीं आ जाएगी. जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, इस एक action से मैंने अपने बेटे को क्या संकेत दिया? I understand. जब आप दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हो, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है. और फिर 3 दिन बाद आप उससे बोलो चलो आज मंदिर चलना है, तो वो चलेगा. बिकॉज एज अ लीडर यू टॉट हिम अंडरस्टैंडिंग इज अ स्किल. तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन ऑर्गेनाइजेशन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी इन फैमिली और सोसाइटी, यू हैव टू लिव दैट वैल्यू. एंड लीडर्स आर टीचर्स. इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल एग्जाम्पल. तो आप इस पूरे प्रिंसिपल को हर अपनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आपकी चल रही है, आपकी टीम के साथ चल रही है, आपके हॉकर के साथ चल रही है, घर में चल रही है, जस्ट अप्लाई दिस. सो लीडर्स आर प्रोएक्टिवली एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड अदर पर्सन स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट, देन दे रिफ्लेक्ट एंड देन दे एक्ट. दे डोंट जस्ट जंप एंड एक्ट. तो कमिंग टू एंगर, मैं भी बीच बीच में स्पर्ड ऑफ एंगर के कारण अपनी जो संबंध मुझे गणेश बनाना चाहिए था, बॉन्डिंग करनी चाहिए थी, वो बॉन्डिंग का कारण दूरियां बढ़ती जाती है. सो डीलिंग विद एंगर वुड बी अंडरस्टैंडिंग अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. एंगर क्यों होता है? कोई कन्फ्लिक्ट हो रही है, कन्फ्लिक्ट में जस्ट टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड वेयर द पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, वॉट इज हिज कॉन्टेक्ट, वॉट इज हिज व्यू, वेयर इज ही कमिंग फ्रॉम, देन रिफ्लेक्ट एंड टेक एक्शन. मुझे गुस्सा ही नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एज सिंपल एज कि सडनली मैं क्रॉस कर रहा हूँ ट्रैफिक सिग्नल और कोई एकदम से जंप कर रहा है, तो मैं उसको रिफ्लेक्ट करता हूँ कि आर कंट्री इज गोइंग थ्रू दैट फेज, इट इज हिज लैक ऑफ अवेयरनेस. ही इज नॉट अवेयर कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा. इज नॉट अवेयर कि ये जरूरी होता है. तो वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज वेयर वी नीड टू बी पेशेंट विद दोज पीपल एंड मूव ऑन. सो दैट्स हाउ. अदरवाइज
suddenly मैं अपने emotions को ऐसे ऊपर नीचे सबके साथ करने लगा तो मेरा तो दिन ही वेस्ट हो जाएगा. तो मैं जिस फोकस से जिस लक्ष्य पे चल के अपने दिन को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, अपने समय को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे झूलता रहूँ. गुड, विल स्टार्ट ऑफ विद प्रेजेंटेशन. वी हैव दिस, तो ये कुछ कुछ लोगों का भरा हुआ है, इसमें एक निकालते हैं. Can you, Kunal, उसमें स्क्रीन पे चला सकते हैं कि इसकी इंस्टेड इस पे? हाँ, दिखे दिख जाए. दोनों स्क्रीनों पे चलाओ. दोनों स्क्रीन पे चलाओ. डेटा स्लाइड्स के लिए ये एक्सेल की शीट. ये मैं कोई हमारे टीम मेंबर हैं जिन्होंने लिखा है. उनकी स्ट्रेंथ है सेल्फ कॉन्फिडेंस इन वर्क, टीम मैनेजमेंट. देन हिज यूनिकनेस इज मोटिवेटिंग द टीम टू डू इट्स जॉब, एजेंसी हैंडलिंग एंड कनेक्शन टू स्मूथ प्रोजेक्ट वर्क, इंटरेस्ट इन का ट्रैवलिंग, रीडिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू रिलीजियस सत्संग. किसका है ये? जो जिसने लिखा है वो ना बताए अपना नाम. दूसरा बता दे जिसने लिखा है, फिर वो बता देगा किसने किसका है ये. फैंटास्टिक. व्हाट्स योर नेम? किरण. फैंटास्टिक. तो ये एक्सरसाइज क्यों कराई है मैंने? ये एक्सरसाइज इसलिए कराई है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम कई बार जल्दबाजी में अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचानते. वी ऑल हैव फिनोमिनल स्ट्रेंथ एंड बिलीव मी, बिफोर प्री 2015 आई थॉट आई कांट डू एनीथिंग इंपैक्टफुल इन माय लाइफ. आई थॉट आई कांट बिकम अ सीईओ. I'm not a CEO material. Life will be ordinary. We have got so much power inside and we can direct our own life. So this exercise is very important for you to reflect on your own strength. कई बार हम खुद अपनी शक्ति को भूल जाते हैं. This is one thing. Second thing is, it is also understand their uniqueness. लिखिए. Everyone is unique. Nitin is unique. Rajesh is unique. Mayank is unique, Amit is unique, Rajiv is unique, everyone is unique. It is very very important to think ourselves as unique. Agar aap sochne lagenge to sari hamari conflict khatam ho jayegi. Everyone is unique. We start appreciating their point of view because he is unique. Main apne team members ko ek dande mein haanpta tha pehle. Agar mujhe presentation chahiye to ek hi format mein chahiye. Sabko time pe aana hai to ek hi time pe aana hai. But then I later realized, what am I doing? I'm just lost in my world. I'm not appreciating their uniqueness. Somebody is good in this, somebody is good in this. Maybe for Rajiv, I need to engage differently. Amya, I need to engage differently. He's very unique. And I would not give... So, meri sabse badi learning pichle 4 saal ki hui hai. Listening is very important. Hum logon ko lagta hai ki hum powerful keval bolne se hote. Not true. हम अगर अपनी listening को improve करें, listening, not listen what you want to listen, listen what is there in front of you, and it's all about engagement. एक बार जब आप 100% किसी को listening करते हैं, you empower that person, you start to enroll that person. So how much listening, how much concentrated you are in those confirmation, हमारा mind ऐसे ऐसे जाता है, क्यों दलवी? ऐसे जाता है ना, अभी कहाँ घूम रहे थे आप? यहीं थे ठीक है. आप खुद धीरे धीरे ना अपनी जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर फोकस करो. सो आई प्रैक्टिस मेडिटेशन ऑल्सो. यू कैन योर सेल्फ रियलाइज कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन कितनी देर का रहता है कन्वर्सेशन में. सो कॉन्सेंट्रेशन इज द की टू सक्सेस. आप जितनी देर अपना कॉन्सेंट्रेशन संभाल पाते हैं. हम कार में बैठते ही तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं. कैसे हो जाते हैं? कार में बैठते ही हम खो जाते हैं, एकदम से हम सोचने लगते हैं. इट डिपेंड्स व्हिच सीट यू आर लाइक यू आर अ ड्राइवर और पैसेंजर. आई मीन इवन ड्राइवर्स सो इवन ड्राइवर्स गेट लॉस्ट, इवन पैसेंजर्स गेट लॉस्ट. यू गेट लॉस्ट दो दिस एंड देयर इज नो न्यू लर्निंग हैपनिंग. कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई नया रंग आपको आकर्षित नहीं कर रहा, कोई नया फॉन्ट आपको आकर्षित नहीं कर रहा. यू आर नॉट जस्ट लॉस्ट इन योर थॉट्स एंड ऑक्यूपाइड विद टास्क एंड कंसर्न्स एंड वरीज. ऐसा होता है? तो फिर उससे क्या होता है? नो न्यू लर्निंग हैपनिंग्स. वी आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज आउटडेटेड.
नो न्यू डेटा, तो हमारी जो बिलीव्स assumptions, थॉट प्रोसेस जो चलता आ रहा है हम उसी से रिलेट करते हैं हर चीज़ को. टू एन एक्सटेंट इवन हमारी जो वोकैबुलरी है वो भी पुरानी चलती होती है. नो न्यू वर्ड्स, नो न्यू लर्निंग. हम अखबार पढ़ रहे हैं, आई टेल यू कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या होती है. अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं और उसमें कोई आपने रिलायंस की न्यूज़ पढ़ी विच इज़ टॉकिंग अबाउट डूइंग वर्ल्ड क्लास, इट शुड इंस्पायर यू टू बिकम वर्ल्ड क्लास. अगर कोई आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ रहे हैं पूरी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, इट शुड गिव यू, आई मीन आई एम टीचिंग यू समथिंग हाउ यू कैन इवॉल्व एंड लर्न एवरी मोमेंट आउट ऑफ जस्ट शेयर कॉन्सेंट्रेशन. आप कार ड्राइव करके जा रहे हैं, आपको कोई मूंगफली बेचने वाला दिखता है और वो स्माइल करके मूंगफली बेच रहा है, एंड इफ यू रिफ्लेक्ट कि लुक ही इज डूइंग हिज जॉब रिस्पॉन्सिबिली एंड स्टिल एंजॉइंग लाइफ, आई वॉट सो मच, हाउ वुड यू फील? सो एवरी मोमेंट इज अ बुक. तो एक बार मैंने कोशिश करी थी, माई वाइफ वॉज ड्राइविंग कार फ्रॉम कोटा टू गुड़गांव, सो मैं कोटा में मेरे इन लॉज रहते हैं, एंड आई डिसाइडेड कि मैं अनकॉन्शियस नहीं हूँ, आई वुड जस्ट. तो पहले एक तो मैं पूरा साइड वाली सीट पर बैठा था, ड्राइवर सीट पर नहीं था, और मैं बिल्कुल एज पे बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठने की कोशिश करी मैंने, और मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन से बाहर खेतों को देख रहा था. तो आई कुड सी अवर लेडी इन अ विलेज जो अपने गाय को चारा वगैरह करा रही थी. तो इट वॉज दैट व्यू वॉज इंस्पायरिंग मी, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू फॉलो योर स्केड्यूल. दैन फिर मैंने देखा तालाब, देखा वहाँ तालाब में तीन फ्रॉग दिख रहे थे मुझको. There is every moment is a book. So जो leaders होते हैं वो reflection बहुत करते हैं, वो चिंतन बहुत करते हैं, and that's how they evolve and they learn. अगर आप बस बिना कोई आप ऐसे बस खोए हुए अपने विचारों में कर रहे हैं, learning नहीं हो रही है, then means you become a zombie. That's a very very difficult. And क्या होता है जब हम adult हो जाते हैं तो हम इस अवस्था में हम और with you know, so for children thoughts are like clouds. थॉट्स आते हैं, एंगर आता है बच्चों को, दो मिनट बाद दोस्ती हो जाती है. एज वी बिकम एडल्ट्स थॉट्स बिकम्स लाइक ग्रासलैंड्स. हम उन अपने थॉट्स विचारों को डिकेड्स तक लेके चलते रहते हैं. एंड वी बिकम बोरिंग एंड सीरियस, राइट देवेंद्र? सो यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, हाउ डू यू क्रिएट एनर्जी फॉर योरसेल्फ? हाउ मच टाइम यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग? If you don't exercise in the morning, Vedanta is ready for you. I'm telling you, it is very important. You saw, अभी अगर आप तो अखबार के हैं, आपने अभी मुंबई में मैराथन हुई, उसमें कौन कौन मुख्य इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया? आई सॉ पिक्चर ऑफ टाटा ग्रुप चेयरमैन, देन आई सॉ पिक्चर ऑफ मिस्टर सजन जिंदल, देन आई सॉ पिक्चर ऑफ अनिल अंबानी, एंड देन आई वॉज रिफ्लेक्टिंग, लुक एट देयर एज. They are possibly 20 years elder to me and they are running marathon. And main 2 kilometer mein, it should fucking inspire me. I need to do this. So how you, simple, meaningful, concentrated newspaper reading should inspire you. Or you're just reading it because good. Aapko mila thoda sa Rajiv ji jawab. विज्ञापन बेचते हीरो होंडा के ऑफिस में पहुंचा, वहाँ मैं पसंद आ गया, they wanted somebody in sales, they got me in Hero Honda, and last 12 years I was at Ford. I have invested 10,000 hours with Deepak in NCR, 10,000 hours with Monk, so I have learned this, कि frustration क्यों होता है, लोग empowered कैसे feel करते हैं, लोग disempowered क्यों feel होते हैं, लोग गुस्सा क्यों होते हैं, लोग hatred, aversion, द्वेष, ये सब क्या होता है, क्यों होता है, ये suffering क्यों होती है, and how we can elevate ourselves. How we can live to the fullest. There's so much effort we are putting in every day in our life. We deserve happiness. We deserve better life. So much effort we are putting, all of us, all of you here. So I learned a lot of this. Next slide. So thank you very much. It's been absolute honor. All of you are extremely talented. So, आपने कुंग फू पांडा पिक्चर देखी है किसी किसी ने?
Yes, all three parts. हाँ, all three parts. तो first वाली देखिए. Yes. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वो जो पांडा को ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो आपके भी पांडा हैं आपके अंडर में, राइट? बहुत सारे पांडा हैं. शिफु. आप उनको ट्रेन करना चाहते हैं, मुझे सर्कुलेशन बढ़ाना है, दीपक का फोन आया है, या मुझे पैसे चाहिए, मंथली कलेक्शन नहीं आ रहा है, एमआईएस देनी है, देवेश गुप्ता जी को रिपोर्टिंग होनी है, ऐसे ही होती है ना चर्चाएं. एक कॉपी कम नहीं होनी चाहिए, ऊपर एक कॉपी बढ़ जाए बस, एक कॉपी कम हुई तो कैसे हुई. आपके भी पांडा हैं, उनको आप ट्रेनिंग देते हैं. पांडा, कोई पांडा बनते हैं, कहीं बिगड़ते हैं, कोई सुनते हैं, कहीं नहीं सुनते हैं. तो कमिंग बैक टू मूवी, कुंग फू पांडा, मैं वो पांडा सुन नहीं रहा था. शिफू जो था, तो आप शिफू हैं,